जनपद कुशीनगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गौवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में साइबर सेल थाना हनुमानगंज व थाना खड्डा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अहिरौली बंधा के पास घेराबंदी कर चेकिंग किया जा रहा था, जहां एक 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर व गौ तस्करी में वांछित अभियुक्त में मुठभेड़ हो गया। पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में पशु तस्कर घायल हो गया, जिसकी पहचान नौशाद लतवा मुरलीधर थाना तमकोही राज कुशीनगर के रूप में हुई है। आपको बता दें कि नौशाद गैंगस्टर व गौ तस्करी के मुकदमे में जनपद कुशीनगर से वांटेड था, जिसके ऊपर कुशीनगर के अलग अलग थानों में एक दर्जन मुकदमे दर्ज है। घायल अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, चोरी की एक पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद कुशीनगर में 25,000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त, जो कि गैंगस्टर और गौ तस्करी में वांटेड था, पुलिस मुठभेड़ में उसे गोली लगी है, घायल हुआ है, गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त नौशाद ये गौ तस्करी के मामले में वांछित था और थाना खड्डा क्षेत्र में इसके होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे कि हमारी पुलिस टीम ने नाकाबंदी की थी। इसने पुलिस टीम पे फायर किया, हमारी टीम ने जवाबी आत्मरक्षात फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी है और इसके ऊपर नौशाद उर्फ मूसा के ऊपर 12 करीब मुकदमे हैं और ये गौ तस्करी जैसी घटनाओं में ये लिप्त रहता है। इस पे सख्त कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में हमारी थाना साइबर की टीम, थाना अध्यक्ष खड्डा और थाना अध्यक्ष हनुमानगंज की टीम शामिल रही है और इसी तरीके से जनपद कुशीनगर में गौ तस्करों एवं अन्य अपराधियों पे हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।